आज हमने पारसनाथ की धरती में ही है, तो कहीं ना कहीं भले पारसनाथ की धरती में गरीबी बेरोजगारी पाए सका लिए, लेकिन यहाँ आज भी हमने के संस्कृति जिंदा है। और उस संस्कृति के पहला उदाहरण की मांगर के थाप था। मांगर के थाप हमने के संस्कृति अच्छा, चूंकि संस्कृति के बात पहले तो हल्का से एक मिनट हम संस्कृति में चर्चा करवाए, क्या कि हमने के अपन हर चीज के बचाए के रखना हो, सजाए के रखना हो, इसे अभी हमने बरत खुटा कर ले आला करल हला ना भरत खुटा। अच्छा एक बात, हमने जब भी कुछ भी काम करिए ना, ओकर कुछ ना कुछ ओकर में एगो मैसेज रहे कि भाई भरत खुटा क्या सा बात है। चूंकि झारखंड में चाहे कोई भी समाज रहे, कुर्मी रहे, संथाली रहे, घटवार रहे, या अन्य जो भी समाज रहे, हम सबके नाम लेना संभव ना है, तो अगर मूल पेशा कहीं ना कहीं खेती है, खेत लगाना, फसल लगाना, तो खेती जो कर रहा है ओकर एगो जीवन के अलग सिद्धांत रहो है। ओकर जो नियम है कि ओकर खेती करे में जे जे ओकर साथ दे ओकरा वो सबके धन्यवाद करे। तो इस सोहराय में बंगला में होटे कर आए कि खेती करे में के साथ दे, नगोरू काला साथ दे हर जोते में, तो ओकरा की करे चार दिन पांच दिन ओकरा पहले तेल लगो है कि ठीक जाए ना भाई। यह सावन मने सावन में हर जोतल बड़का बड़का कादा के तो कि भाई ना तेल लगे, तेल लगा सभी इस टाइम गोरू काला के तेल लगो हथे। अब अगर मान के चल अगर कोई इंसान के तेल लगता है तो इंसान खटिया में सुखते कि नहीं, यानी रिलैक्स रह लेते। यदि सात दिन कोई इंसान के तेल लगे भा तो खटिया में जाके सुतो कि नहीं, तो सही मेरा गोरु कारा के तेल लगाए दला वह तो खटिया में सुतो, सही खातिर हमने बरत घुटा कर लिया कि तोरा सुते के ना खो। यानी हमने के पर्व त्योहार में रिसर्च होना चाहिए बड़ा बड़ा, अगर सात दिन अगर इंसान के तेल दबाए वो खटिया में सूझ जाता है, तो सैन्य बर्दा के कड़वा के सात दिन तेल दे लिए, अगर ओकरा बरद माए खुटवाए ओहो सूझ जाता है। सही खाते ओकरा हमनी खेलवाए है, रिझवाए है, और सबसे खास बात ओकर रगवाए है। बरद खुटा में बर्दन के हमने जान बुझ के रगवाए है, काहे बताओ कि तो रागबे ना तबे मारवा जल्दी जल्दी घुड़ता है, यह मारा घोड़ा टाइम लगे लगे ना। यानी देख हमारा पर्व त्योहार के कितना बाप दादा कितना सोच के बरत खुटा करल है, भले आज के लड़का के लग लो कि नहीं तो मजा लेना हो, बरत खुट देना हो, हुले लुलो करना हो, ऐसा नहीं लगो, एक में सोच हो कि ओका सात दिन तेल दिए लाए, अगर तेल देने बाद ओका छोड़ देवी वह सुस्ता है जीते, आलसी भाई जीते। सही खाते ओका बरत खुट के ओकरा खेलाना, ओकरा रिजाना और रगाना सबसे इम्पोर्टेंट, कि तो रगाए रहल लो ऐसे गमछिया दे के ओकर जे के सुपवा दे के मंदिरिया बजाए के तोरा रगाए रहल आर रागल बात घोसिए ना भाई खरिहनवा में, और जखन गोरु गाड़ी लाइट के बिना लाइट के अनबो खेतवा से तखन ही राग झाड़े को कहे न बड़का ऊंचा ऊंचा खेत से उठे है। तो समझ के देख हमने बाप दादा जे कभी स्कूल कॉलेज ना गेल है, स्कूल कॉलेज गेल है ना, इसे देख बरत खुटा कितना सुंदर नियम कि ओकरा सात दिन तेल लगा के सुते नहीं दिलाए, सुतले मानुष में सुतले चल गेलो कार्तिक महीना के दिन लगो धान काट तो ले अंको के बरदे में ना, तो सही खातिर ओकरा तेल कुड़ लगाए के ओकरा बरत खुटलाए ओकरा रगैलाए कि तो राग और राग तक गुस्सा कहाँ झाड़े को माड़ा घोड़ा में जखन गाड़ी टन में कटल बाद लाइन के अभी तो मने मान के चल ट्रैक्टर से आना है ना, तखन ट्रैक्टर नहीं ना हलाय, तो सोच के देखा हमरा संस्कृति कितना मधुर हो, संस्कृति के मतलब की हो, तो सही खातिर हर चीज बचाए के रखिया, भाषा संस्कृति परंपरा खेती बाड़ी हर चीज बचाए के रखिया तबे झारखंड बस। चूंकि हम शादी ब्याह दिन आगे देखो छोटा सा उदाहरण देव गौतम के सुने सेठ भले क्या ना अगर बड़का दादा से ना करते तो वहां कैसे जाना है तो ना लगे। अच्छा एक बात बतवा सभी ने जितने आएगा दीदी साहब मौसी साहब मैया साहब भैया सब सभी ने अपने बाबा हाथ चेक कराना और लोहा मठिया पहन लिया दीदी पहन ले हो ना दीदी हो। अच्छा एक बात बताओ अभी नया नया बहुत जान के शादी करते देखिए ककरो यहाँ दे ना सोना 50,000 के सोना यहाँ दे 50,000 के सोना घेचवा में दे 15,000 के नाकवा में दे 15,000 के कड़वा में दे गोड़वो में दे रुपया 10-20,000 के तो 10 टका लगे कहे दले भाई हटो 50,000 के दे तो सोने दे तले एक्चुअली हटे के मतलब हो इटा की मतलब हो बाकी जितना भी सामान तोरा मिल लो सोना चांदी अब डेरे उचवा सैंडल आवत रहो या लाल लुगा मिलो चाहे पीला लुगा मिल लो कहाँ मिल लो पता हो सब बापे के घर मिल लो
यानी बापे के अंगना में सारा चीज तोरा मिल लो, केवल लोहा के मठिया तोरा कहाँ मिलतो, जब तुम पहली बार ससुराल एंट्री कर रही। तो एकर मतलब की लो बताओ, एकर मतलब लगो कि इस परिवार में तुम कितर की ड्यूटी हो, तो अपन बाप के माए के अपन घर द्वार सब छोड़ के यहाँ आए तो तुम ड्यूटी की लगो बेटा बताओ। तो हर ड्यूटी तो लोहा के मठिया में बतू हो, जिसे रायत रायत मान की लगो करिया करिया देखा हो, दूध माने सादा। तो लोहा दुनिया के सबसे भारी सामान के नाम लगो लोहा, तो हाथ में लोहा दे लो यानी तोरा एगो ड्यूटी दे लो, लोहा यानी भारी सामान इस परिवार पर, यानी उस परिवार के तरह भार संभालना हो, उस परिवार के संवार के रखना हो, उस परिवार के तरह सजाए के रखना हो। बाकी जितना सामान हो तेरा बाप घर में मिलता, जितना सामान हो 1 करोड़ के दे चाहे 10 लाख के दे, लेकिन तो शुद्ध तबे है भी जब 10 टका के लोहा मटिया, कब जब द्वार छकायल बाद पहले तो गाड़ी पूरा मिल तो तैयार भजिया ऐसे लगे वैसे लगाए कांगले कांगले, जब घरवा ढुक भई आंगना तब पहली बार तोरा लोहा के मठिया दे, तो यानी यह खातिर इस परिवार के तोरा भार संभालना हो, इस परिवार के सजाना हो, इस परिवार के वंश बढ़ाना हो। और अभी चेक कर ले, बहुत सारा चूल पकल दादू सब आए, चेक कर ले एक नहीं कमरवा चेक कर चुनौती मिलते, जितना चूल पाकल दादू आयले हो अखनी के कमरवा चेक कर चुनौती मिलतो, और दादी गिला के चेक कर चाबी के गुच्छा मिलतो, मिलतो कि ना, यानी भार लिए खातिर आयल है तुम। ठीक है, अब ज्यादा ना, चूंकि अब हम एक महत्वपूर्ण बात, चूंकि अगर ये बात हमें ना रखे तो शायद बहुत सारा मीडिया वाला कहता है कि टाइगर जहां भी जाता है, कोयला में जाता है तो कोयला पे बात करता है, टाटा में जाता है तो टाटा पे बात करता है, आज हम नक्सलियों की मांग में खड़े हैं तो नक्सल समस्या पे भी बात करना चाहिए। और मैं चाहूंगा मीडिया वाले बिल्कुल जो गांडे ग्रीडी आए मेरे इस बयान को बिल्कुल आप रिकॉर्ड करें, क्योंकि लीडर का मतलब वो नहीं जो डरता है, विधायक सांसद बनने वाले लोग डरते हैं, हम लीडर बनने आए हैं, हमारी आंखों में डर नहीं होना चाहिए। जो भी झारखंड की समस्या है उसमें मेरा स्पष्टीकरण होना चाहिए, उसमें मेरा स्टेटमेंट होना चाहिए। आज अगर आपको नक्सल के कारण को समझना है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आए थे खूंटी, वो बड़ा बड़ा भाषण दे रहे थे कि हमारे नक्सल की समस्याओं को हमने कम किया है, तो हम प्रधानमंत्री को बकायदा आपके चैनल जितने भी मीडिया सोशल मीडिया आए हैं, मैं उनके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को संदेश देना चाहूंगा कि नक्सल समस्या ब्लू ऑपरेशन और ग्रीन ऑपरेशन से सफल नहीं होगा, ये नक्सल की समस्या का समाधान ग्रीन ऑपरेशन से नहीं होगा, नक्सल की समस्या का समाधान सामाजिक न्याय से होगा। सामाजिक न्याय का मतलब है कि आज टाटा के पास अनगिनत जमीन है, किसका है, संथाल लोग का है, कुर्मी लोग का है, घटवार लोग का है, गोंड लोग का है, जिसका भी, डज नॉट मैटर, आज टाटा के पास अनगिनत जमीन है। यदि आप सरकार में हैं और आप में हिम्मत है जो कहता है कि नक्सल एक समस्या है, और यदि आप समाधान चाहते हैं तो जहां टाटा बिल्डिंग नहीं बनाया है, यदि कोई खाली जगह है तो उसको खींच के वापस लीजिए और रैयत को वापस कर दीजिए। सामाजिक न्याय से नक्सल की समाधान होगा, ना कि नेताजी के बड़े बड़े भाषणों से होगा। अब मैं यही का उदाहरण देता हूं, अभी हम आए तो हमको किसी ने बताया कि यहाँ के जो थाना प्रभारी है खुखरा है इधर मधुबन है, क्योंकि मैं उनके नाम काल्पनिक लेता हूँ क्योंकि सरकारी लोग हैं, लेकिन उनका सरनेम मैं प्योर लेता हूँ। मान के चलिए खुखरा के थाना प्रभारी उनका नाम है अमन महतो, उनके सर नहीं काल्पनिक नाम ले रहा हूँ, आप उनके सरनेम को ध्यान दीजिएगा, मैं जानबूझ के फॉल्स नेम ले रहा हूँ, उनका नाम गलत ले रहा हूँ लेकिन उनका सरनेम मैं परफेक्ट ले रहा हूँ, ताकि आपको समझा सकूं कि नक्सल का प्रॉब्लम क्या है। क्या नाम है इनका, अमन महतो, खुखरा के थाना प्रभारी, यानी उनका नाम कुछ और है, सरनेम परफेक्ट है। आपके मधुबन में थाना प्रभारी है, उनका नाम मानते हैं सुनील, सॉरी उनका नाम सुमन मुंडा, नाम गलत ले रहे हैं लेकिन उनका सरनेम हम परफेक्ट ले रहे हैं। अब यही कुछ नक्सलियों का नाम हमारे मोबाइल में है, उनका नाम है विजय महतो, विजय नाम गलत है लेकिन पीछे का महतो नाम गलत नहीं है, नाम है उनका कमल बेसरा, कमल नाम गलत है लेकिन बेसरा नाम गलत नहीं है, मेरा बात को समझिएगा, क्योंकि हम एक सेंसिटिव मुद्दे पे बात कर रहे हैं। मैं उनको जो नाम ले रहा हूँ काल्पनिक नाम ले रहा हूँ लेकिन फैक्ट बोल रहा हूँ।